ईपीटीएम का रिस्पांस बहुत अच्छा है और अभी एग्जैक्टली जो है सारी स्टेट की रिपोर्ट जो आज शाम तक आ जाएगी, लेकिन पिछले कल तक जो एक रिपोर्ट आई थी तो लगभग 73,000 बच्चों के माता पिता से अभी चर्चा स्कूलों ने की है, लेकिन ये प्रोसेस लगातार चल रही है। 5 दिन के लिए ईपीटीएम को हमने किया है और आज शाम तक पता चला गया कि प्रदेश के कितने पेरेंट्स और टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ हमारी डिस्कशन हुई है और उसमें भी हमने ये सारे विषय रखे और हमने कहा है कि जहां जहां पर स्थानीय स्तर पर स्कूलों को खोलने के बारे में और वहां पर क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, हर स्कूल वहां के बच्चों के माता पिता और अध्यापक और बच्चों के साथ मिलकर के उसका माइक्रो प्लान तैयार करें और उसके उपरांत हम फैसला लेंगे कि हमको करना क्या है। लेकिन अभी फिलहाल जो मुझे लगता है कि हम हायर क्लासेस को एक फेज्ड मैनर में चलाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन छोटी कक्षाओं के लिए अभी लगता है कि कुछ समय और लगेगा। तो इसलिए क्योंकि हमारे सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि कोरोना जो अभी एक तरह कम्युनिटी स्प्रेड की ओर है, इससे सावधानी रहे और इससे बचाव के रास्ते बने। तो इसलिए कि अभी जो आने वाले दिनों में है कि बच्चों को हमारी ओर से कोशिश है कि हायर है चाहे बाकी में ऑनलाइन एजुकेशन भी प्रारंभ रहेगी और साथ में जो स्कूल में जाके गाइडेंस अगर टीचर से लेना चाहते हैं वो भी जा सकते हैं, लेकिन ये बात हमने तय की है कि स्कूलों में जो स्टाफ है, जो टीचिंग स्टाफ और दूसरा है, वो 100% आना चाहिए और वो 100% वहां पर पहुंचना प्रारंभ हो गया है। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। इतनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा, माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का माड़ या फिर दाल का पानी, ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए। बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब, पर 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए